सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है और अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारा फोन है और आप अभी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे अगर जो तो इसके अंदर जो है वो लग गया है MI अकाउंट और ये आप देखिए स्क्रीन पे तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर MI अकाउंट लगा हुआ है। तो हम मॉडल अगर मैं बात करूं तो ये देखिए MI का नोट 5 मॉडल है, केवल नोट 5 है MI का और इसके अंदर आपको जाहिर सी बात है MI का है, इसमें क्वालकॉम CPU लगा है। तो क्वालकॉम CPU वाले फोन का MI अकाउंट हटाना है तो आपको करना ये होगा कि आपको यहाँ पे QC फायर ओपन कर लेना है अपना, क्योंकि UMT का जो QC फायर है पूरे क्वालकॉम CPU के लिए आता है। जितने भी फोनों के में क्वालकॉम CPU लगाया है अगर उनका आप MI अकाउंट हटाना चाहते हैं या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप इस टूल से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको फोन को क्या कर लेना है, पहले पीछे का ढक्कन निकाल लेना है क्योंकि मैं पहले से निकाल कर रखा हूं ताकि आपका समय कम लगे। तो इसका ढक्कन सबसे पहले आपको निकाल लेना है। ढक्कन निकालने के बाद से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये जो फिंगरप्रिंट का लगा हुआ है इसके पास, ये देखिए यहाँ पे जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये दो पॉइंट ही इसके आइडियल पॉइंट है। इन्हीं दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके आपको आइडियल मोड में कनेक्ट करना है फोन को। ये देखिए ये दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है ये वाले, यही दो पॉइंट को हमें शॉर्ट करना है और तब जाके आइडियल मोड में कनेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें इस फोन को कर लेना स्विच ऑफ। तो इसके लिए हम अपना बैटरी निकाल के और बैटरी कनेक्टर को फिर वापस से हम अपना लगा देते हैं ताकि ये फोन स्विच ऑफ हो जाए। और अब हमें क्या करना है यहाँ पे अपना, चूंकि अगर आपको फोन को नॉर्मली अगर पासवर्ड और FRP हटाना होता तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करते कि मॉडल सेलेक्ट कर देते आप XIAOMI और यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट कर देते नोट 5। और इसके बाद से नोट 5 पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे सिंपली केवल आपको करने के बाद फॉरवर्ड करके एग्जीक्यूट कर देते तो ये फोन का FRP के पास होता। लेकिन हमें क्या है इसका MI अकाउंट हटाना है तो उसके लिए हम अपना यहाँ पे MI अकाउंट पे जाकर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिसेट MI अकाउंट ओल्ड मेथड, क्योंकि चूंकि ये फोन ओल्ड मेथड है तो हम यहाँ पे ओल्ड मेथड का यूज करेंगे। और अब आपको क्या करना है ईडीएल मोड को शॉर्ट करके ईडीएल पॉइंट को और यहाँ पे केबल इंसर्ट कर देना है ताकि आपका फोन ईडीएल मोड में कनेक्ट हो सके। अब पोर्ट बन चुका है, अब थोड़ी देर हम वेट करेंगे इस फोन को अनलॉक होने के लिए।
सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, थोड़ा हालांकि टाइम लगा जरूर, लेकिन अभी हमारा फ़ोन बिल्कुल नॉर्मली ऑन हो चुका है। और अभी हमें लगता है कि हमारे फ़ोन में हमें कोई सा भी आपको वो नहीं देना पड़ेगा, पासवर्ड और FRP वगैरह कुछ भी देना नहीं पड़े शायद, तो हम देख लेते हैं। तुमसे कुछ तो होता तो है नहीं, अब जो दो होने लायक दोनों भी नाटक करती हो, जब हाल है यार तुम्हारा एकदम। तो वैसे अभी आप देख सकते हैं इस फोन का जो भी पासवर्ड FRP और MI अकाउंट था सब कुछ अभी हट चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोन अभी कोई भी MI अकाउंट नहीं मांगा है, ना ही कोई पासवर्ड मांगा है, ना कोई FRP मांगा है, तो हमारा फोन अभी ऑन हो चुका है। और बस अभी नेक्स्ट लास्ट स्टेप था जहाँ से अभी फोन लोडिंग लेकर अभी खुल जाएगा और इसमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मांगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस अभी ये फोन थोड़ा सा खुल जाता है, तब तक हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। क्या है कि कोई कोई फोन कभी कभी बहुत स्लो लोडिंग लेता है, कभी कभी फोन बहुत स्लो लोडिंग लेता है, तो इसकी वजह से कई बार लेट हो जाता है इस फोन को खुलने में, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फोन अभी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, और हमारा फोन बिना पासवर्ड के बिना FRP के यहाँ पे चालू हो जा रहा है।